वेलकम टू भक्ति ओम संध्या। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो है होली पर, होली और होलिका दहन। होली कब है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, उसका महत्व क्या है और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। होलिका दहन के अगले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन 28 मार्च और होली 29 मार्च यानी सोमवार के दिन मनाई जाएगी। होली से 8 दिन पहले यानी 22 मार्च से होलाष्टक लग जाएगा। होलाष्टक के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के अगले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन 28 और होली 29 मार्च यानी सोमवार के दिन मनाई जाएगी। होली से 8 दिन पहले यानी 22 मार्च से होलाष्टक लग जाएगा। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होलिका दहन की तिथि है 28 मार्च और इसका जो दिन बनता है वो रविवार बनता है। और इसका शुभ मुहूर्त यानी होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:36 से रात 8:56 तक होगा। होलिका दहन वाली जगह पर अब कैसे किया जाता है होलिका दहन, आइए जानते हैं। होलिका दहन वाली जगह पर कुछ दिनों पहले एक सूखा पेड़ रख दिया जाता है। होलिका दहन के दिन उस पर लकड़ियाँ, घास, पुआल और गोबर के उपले रख उसमें आग लगाते हैं। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में परिवार के किसी बड़े सदस्य यानी वरिष्ठ सदस्य से अग्नि प्रज्वलित करानी चाहिए। ये सम्मान उन्हें ज़रूर देना चाहिए। होलिका दहन को कई जगह छोटी होली भी कहते हैं। इसके अगले दिन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मनाया जाता है यानी गुलाल से खेला जाता है। आइए अब सुनते हैं होली से जुड़ी पौराणिक कथा। होली से जुड़ी अनेक कथाएं इतिहास पुराण में पाई जाती हैं। इसमें हिरण्यकश्यप और भक्त प्रह्लाद की कथा सबसे खास है। कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रह्लाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। भक्त राज प्रह्लाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपने गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई, लेकिन प्रह्लाद की भक्ति के प्रताप और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई और अग्नि में प्रह्लाद के शरीर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये कथा थी होली की कि होली क्यों मनाई जाती यानी होलिका दहन क्यों क्या होता है। अब हम सुनते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कैसे मनाई जाती है होली। ब्रज की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ होली का पर्व पूरे महीने चलता है। बरसाना की लठमार होली भी बहुत मशहूर है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में होली के पांचवें दिन रंग पंचमी खेली जाती है।
महाराष्ट्र में लोग रंग पंचमी के दिन एक दूसरे को सूखे गुलाल लगाते हैं। तो ये तो हुआ कि होली कहाँ कहाँ कैसे मनाई जाती है, लेकिन इस साल ये होली थोड़ी अलग होगी, क्योंकि इस साल कोविड-19 जो है, हमें अपना ध्यान भी रखना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है। तो स्टे सेफ, होली मनाइए, खूब मनाइए, रंग लगाइए, मिठाइयाँ खाइए, मज़े कीजिए, मस्ती कीजिए और सारे के सारे गुबार भी निकाल दीजिए, लेकिन अपना ध्यान रखकर, क्योंकि अपना ध्यान अगर हम रखेंगे तभी तो दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। तो स्टे सेफ, हैप्पी होली। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।